अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ब्रश सेट का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड था कि जी अफोर्डेबल ब्रशेज़ जो हैं वो भी दिखाएं, कौन से अच्छे हैं। अच्छा, ब्रांड्स तो काफ़ी सारे हैं जो कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स से पाकिस्तान में मिल जाते हैं। ये मैंने ब्यूटी ग्लेज्ड से लिया था, beautyglazedpk.com से, जो इनका इंस्टाग्राम का पेज है, वहीं से आप वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको ईजिली ये मिल जाएगा। इनके पास काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेंज में ब्रशेज़ हैं। बेली के ब्रशेज़ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े से इससे प्राइसी हैं। ठीक है, ये जो ब्रांड है इसका नाम आई थिंक मांगे है, MAANGE, यार उन्होंने कैसे प्रोनाउंस करते हैं। खैर, ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था। इनके जो ब्रशेज़ हैं ना, उनकी रेंजेस 25 पीसेस की भी हैं, 18 पीसेस की भी हैं, और आई थिंक 30 पीसेस वाले भी हैं, डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। 20 पीसेस वाले भी हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं। ये वाला जो है 4200 का था, और जो 30 पीसेस वाला है ना वो 4700 का है। तो आप वो भी देख सकते हैं, शायद वो भी सेल पर ही लगा हुआ है, तो जिसने लेना हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम प्रोफेशनल ब्रशेज़ हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल ब्रशेज़ देख रहे हैं ना, जो आप अपने किट में इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसमें आपके सारे ब्रशेज़ इंक्लूडेड हों, तो आप ज़रूर ये वाले ब्रशेज़ ट्राई करें। ठीक है, बेली के भी बहुत अच्छे हैं, एंड मोर है एक ब्रांड, वो भी बहुत अच्छा है, ब्यूटी फैक्ट्री से शायद वो मिल जाता है। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, आपको बड़े ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में पूरी कम्प्लीट रेंज में मिल जाती है। ठीक है जी, ये फुल फेस की एप्लीकेशन वाले हैं ब्रशेज, और 25 पीसेस वाला सेट है। इनको खोलते हैं जी, ये सब ऐसे इंडिविजुअल ही है। बहुत बेहतरीन, और वही ना, सारे इतने सॉफ्ट हैं और अच्छे, और वही ना, इतनी फिनिश इनकी अच्छी है, हैंडल क्या, बाकी सारा क्या, और बहुत सॉफ्ट और बेहतरीन है। मैं इन सबको ओपन करती हूँ जी। तो बहुत ही प्यारे ब्रशेज़ हैं ये, और ऑनेस्टली बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे इनकी लग रही है। मतलब इनकी लुक, इनकी फिनिश ही बहुत अच्छी है, कि आपको बिल्कुल हाई एंड बेहतरीन क्वालिटी वाले ब्रशेज़ की ही फील आती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, इंडिविजुअली ब्रशेज़ पे लिखा भी हुआ है, ये एंगल कंटूरिंग ब्रश है। ठीक है, उनके नंबर्स भी हैं और साथ लिखा हुआ है। तो अब ये होता है कि बेसिकली आपको यूज़ सारा पता होना चाहिए कि ब्रशेज़ को हमने कैसे कैसे यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रश जिस मकसद के लिए सिर्फ बना है, आपने उसको उसी एक मकसद के लिए यूज़ करना है, आप उसको डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एंगल्ड ब्रश है, ठीक है, आप इसको देखें, ये एंगल्ड ब्रश है और ये डेंस है, और ये इस तरह से देखें इतना थिक है। मैं इसको कंटूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आपके क्रीम कंटूरिंग होती है, वो आप लगाएं और इसके साथ आप इसको अप्लाई भी इससे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको ब्लेंड भी इसी ब्रश के साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका साइज़ है, बहुत अच्छी इसकी डेंसिटी है, बहुत बेहतरीन इससे ब्लेंड होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो ब्रश है, ये एंगल्ड शेडिंग ब्रश है। ठीक है, अब शेडिंग ब्रश जो है ना, उसको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये एंगल्ड भी है और ये थिक भी है, और ये छोटा है, ये उतना बड़ा नहीं है जितना ये था। ठीक है, तो आप इसको फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन को अप्लाई करके ब्लेंड करना है, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्रीम ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से, ज़्यादा कंटूरिंग के लिए आप हमेशा अलहदा रखेंगे, और ब्लश जब आपने लगाना है लिक्विड या क्रीम, आपने उसको अलहदा किसी ब्रश के साथ ही करना होता है, तो आप इसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी इससे ब्लेंडिंग होगी, ना तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट होगा, क्योंकि थिक और डेंस ब्रशेज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाला ब्रश आ गया, ये बहुत अच्छा है पाउडर्स के लिए। मैं तो इसको, ये देख रहे हैं, पाउडर ब्रश है ना ये, इस पर लिखा भी यही हुआ है, और आप इसको डेफिनेटली पाउडर्स के लिए ही यूज़ करेंगे। आप ऑल ओवर द फेस जो आपने अपना लूज पाउडर लगाना है वो भी आप इससे लगा सकते हैं, इवन कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो ये ब्रश है, ये थोड़ा सा पॉइंटी और नैरो है, पॉइंटेड ब्रश इसको बोलते हैं, ये भी आप पाउडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये अच्छा होता है आपकी जैसे अंडर आई एरिया के लिए, क्योंकि इसका देखिए ना कॉर्नर ऐसे पॉइंटी है, ऊपर से ये राउंड और पॉइंटी है, तो ये इजीली आपकी इनर कॉर्नर ऑफ द आई जो है, उसके नीचे वाले पार्ट पे, अंडर आई पे, बहुत अच्छे से ये पाउडर को अप्लाई होने देता है, तो आप इसको आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश आ गया जी हमारे पास, ये है स्टिपलिंग ब्रश है, जो कि जिसका मकसद ये होता है, ये बहुत डेंस नहीं होता जितना कि एज कम्पेयर टू दूसरे जो फाउंडेशन ब्रशेज होते हैं, या थिक वाले कबूकी ब्रशेज है ना, ये वो नहीं है। स्टिपलिंग ब्रश का ये मकसद होता है कि आपने अगर कोई अपने फुल फेस पे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करने हैं ना, फॉर एग्जाम्पल प्राइमर लगा रहे हैं आप, या कुछ अगर आप जैसे अपने फेस पे, तो आप अपने हैंड्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब जब भी आप कस्टमर्स पे यूज कर रहे हैं, अपने क्लाइंट पे यूज कर रहे हैं, तो आपको
हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो आप उस पर अवॉइड करते हैं कि आप हाथों को बहुत ज़्यादा उनके फेस पे डायरेक्ट ना अप्लाई करें चीज़ें। बेहतर होता है कि आप ब्रशेस के साथ अप्लाई करें, क्योंकि एक तो हाइजीन की वजह से केयर करनी चाहिए कि आप कोई भी गंद उनके फेस पे ट्रांसफ़र ना करें। तो इस तरह का जो ब्रश है ना वो मुझे अच्छा लगता है अगर आपने प्राइमर अप्लाई करना है, अगर आपने कोई भी लिक्विड हाइलाइटर ऑल ओवर फेस अप्लाई करना है उसके लिए, या आपने अगर अपनी कोई बीबी क्रीम या आपने अपना टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करना है ना जिसपे आपने कवरेज बड़ी कम देनी है, आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को इस तरह के ब्रश के साथ ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि स्टिपलिंग ब्रश में ना दो लेयर्स होती हैं, ऊपर से ये थोड़ा सा लेस डेंस होता है, अंदर इसके पूरे फाइबर्स होते हैं और ऊपर से ये थोड़ा सा ना ऐसे अलग-अलग होते हैं फाइबर्स, उससे क्या होता है कि आपको उतनी फुल कवरेज नहीं मिलती। तो इस तरह का ब्रश जो है आप ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ब्रश जो है ना ये है आपका एंगल्ड फाउंडेशन ब्रश, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका साइज़ बहुत मुझे पसंद आया, उसकी रीज़न ये है कि देखें, एक तो ये फ्लैट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट कुबू की ब्रशेज जो है ना जैसे ये वाला होता है, इसमें राउंड शेप भी आती है, एंगल्ड भी है ये, एंगल्ड में भी थोड़े राउंड में आते हैं, ये थोड़ा सा ओवल में है ना, राउंड में भी आते हैं, ठीक है। उनका ये होता है कि पूरे फेस पे आप अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ आपके फेस के एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वो वाला ब्रश नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो नोज़ की साइड्स हैं, ठीक है, वो जो थोड़े से कॉर्नर्स होते हैं, आपकी जो आइज़ के नीचे कॉर्नर्स हैं, पूरी आई के अंदर, आपके नोज़ के पूरे अराउंड, आपके उन एरियाज में, चिन पे, इन जगहों पे ना वो वाला ब्रश बाज़ दफ़ा सही ब्लेंडिंग नहीं दे रहा होता। तो मुझे आइडियली फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा राउंड कबूकी ब्रश ही पसंद है। कबूकी ब्रशेज वो होते हैं जो ऐसे डेंस होते हैं, देखिए इसके फाइबर्स ना बहुत इधर उधर नहीं जा रहे, मैं इससे कंपेयर करके आपको दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट है, ये डेंस नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ये डेंस ब्रश है, डेंस कबूकी ब्रश है, इसके फाइबर्स ऐसे इधर उधर हाथ से नहीं हो रहे। तो इससे फाउंडेशन बहुत अच्छी ब्लेंड होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्लेंडर। आपके ब्रश के साथ फाउंडेशन आपको हमेशा ज़्यादा कवरेज देगी, ठीक है, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। तो आपको इस तरह के ब्रश के साथ बहुत इजीली और बड़े अच्छी आपकी फ्लॉलेस फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फेस का जो है ये फ्लैट ब्रश है। अच्छा, अब इस ब्रश का जो यूज़ है ना ये मैं आइडियली कंसीलर के लिए भी करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ इतना अच्छा है, ये थोड़ा सा ओवल में है, ओवल शेप में है और ये भी डेंस है, आप इसको फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वक्त में फाउंडेशन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको कंसीलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने अंडर आइज़ कंसीलर लगा लिया, उसके बाद आप इसको अच्छे से इसके साथ सारा अच्छे से ब्लेंड कर लें। अगर आपको लगे कि एक्सेस है प्रोडक्ट या कुछ है तब आप ऊपर ब्लेंडर यूज़ करें, क्योंकि ब्लेंडर से जब हम उसको वेट करके यूज़ कर रहे होते हैं ना क्रीम प्रोडक्ट्स पे, लिक्विड प्रोडक्ट्स पे स्पेशली, वो क्या होता है कि वो हमारी स्किन से ज़्यादा प्रोडक्ट तो लिफ्ट ऑफ कर रहा होता है, ठीक है। जो क्रीम प्रोडक्ट्स है ना जैसे क्रायलन की स्टिक है, जो स्टिक फाउंडेशन होती हैं या जो क्रीम कंसीलर्स होते हैं वो ब्लेंडर के साथ बहुत अच्छे ब्लेंड होते हैं, लेकिन लिक्विड प्रोडक्ट्स के मैं हक में इसलिए नहीं हूँ कि वो बहुत वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कबूकी डेंस ब्रश के साथ ही करूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आई ब्रशेज पे। आई ब्रशेज के भी कुछ ब्रशेज ऐसे हैं जिनको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला ब्रश है ना ये वैसे फ्लॉलेस कंसीलर ब्रश है। अब आपने छोटे एरियाज पे अगर स्पॉट कंसीलिंग करनी है ना, जैसे आपके कहीं पे पिगमेंटेशन है तो वहाँ पे आप उन जगहों पे जब कंसीलर अप्लाई करेंगे तो आपने उसको वहीं रखना है ना, ज़्यादा फैलाना नहीं है। तो स्पॉट कंसीलिंग के लिए आप इस तरह का छोटा और थोड़ा डेंस राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप ये अपने लाइट कंसीलर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आप अपने कलर करेक्टिंग वाले प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने कलर करेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने वहीं रखने होते हैं, उनको हमने बहुत स्प्रेड आउट नहीं करना होता, जितना स्प्रेड आउट करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा, उसका इफेक्ट नज़र ही नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, ये वाला जो ब्रश है ना ये शॉर्ट शेडर ब्रश के नाम से है, ठीक है, ये इस तरह से होता है, जो बहुत बेहतरीन ब्रश है आपकी क्रीज में भी डालने के लिए, क्रीज में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने प्रोडक्ट उठाया और आपने उसके बाद इससे अप्लाई कर दिया क्रीज पे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफकोर्स आप थोड़े से फ्लफी ब्रश के साथ, जैसे ये वाला ब्रश है ना, ये वाला टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश है, आपने अगर प्रोडक्ट अप्लाई इस तरह से कर लिया क्रीज पे इस तरह के ब्रश के साथ, ठीक है, जो थोड़ा सा ऊपर से राउंड फ्लैट है और थिक भी है, ठीक है, डेंस है, फिर आप इस तरह के थोड़े से टेपर्ड और फ्लफी ब्रश के साथ उसको क्रीज में सारा ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह के ब्रशेस को जब आप इनको यूज़ करेंगे ना तो आपका खुद ही हाथ उस चीज़ पे सेट हो जाता है। अच्छा, ये वाला ब्रश जो है ना ये भी बहुत मुझे शेप और स्टाइल इसका पसंद है, ये लार्ज शेडर ब्रश है। इससे क्या होता है कि इससे आपने जब थोड़ा ज़्यादा डेंस प्रोडक्ट उठाना है ना आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द लिड। अब आप अगर मैट
कलर्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप मैट कलर इसके साथ अप्लाई कर लें जब आपने ऑल ओवर द लिड करना है, ठीक है। और अगर आपने यूज़ करना है उसके बाद आपने कोई ग्लिटर्स यूज़ करने हैं या आपने कोई शिमर प्रोडक्ट अप्लाई करना है, तो वो इस तरह के ब्रश हैं, मीडियम शेडर है, ठीक है। ये लार्ज शेडर है, ये मीडियम शेडर है, तो इससे क्या होता है, और ये शॉर्ट शेडर है, ठीक है। तीन तरह के ये शेडर ब्रशेज होते हैं, तो इनके आप देख लें कि इनके साइज़ में किस तरह का डिफरेंस है। ये फ्लैट हैं, थोड़े से थोड़े डेंस हैं, इनके आपको लेंथ से ही पता चल जाता है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। अब जैसे ये लॉन्ग शेडर है ना, इसको आप पूरी लिड पे मैट प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपने शिमर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और अगर स्पेशली ब्रश को वेट करके यूज़ करना है, तो हमेशा इस तरह के ब्रश के साथ करें जो ये मीडियम शेडर है, जो थोड़ा हार्ड है। ये देखें, ये ऐसे करके बेंड करने से ना बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा, तो इससे क्या होता है कि आपने अगर इसको वेट किया या ना भी वेट करें, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इससे अप्लाई होगा, ठीक है। जो जहां आपने अप्लाई करना है उस जगह पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। इस तरह का हार्ड ब्रश जो है वो आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, ये आई क्रीज का ब्रश है, ठीक है। ये भी अगेन आपकी ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होगा जब क्रीज में आपने यूज़ करना है। समटाइम्स क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पे आपने प्रोडक्ट लगा लिया है, ठीक है, अब आपने डार्क कलर था, आपने उसको ब्लेंड करना है, तो आप हमेशा एक और क्लीन ब्रश लें, या आप छोटे ब्रश के साथ अप्लाई करें प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद आप थोड़ा सा इस तरह का जो फ्लफी ब्रश है उसके साथ आप उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, ये भी हम ब्लेंडिंग के लिए ही यूज़ करेंगे ब्रश, ठीक है। ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है, इसको भी हम आपने जहाँ जहाँ अपनी आईज पे स्प्रेड आउट करना है, अच्छे से कॉर्नर्स को ब्लेंड करना है। बहुत अच्छा है, साइज़ है इसका भी, बड़ा प्यारा फ्लफी ब्रश है, बेहतरीन, ये भी बहुत प्यारा ब्रश है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, ये वाला कॉन्टोर ब्रश है। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आईज की कॉन्टोरिंग के लिए, मीन्स कि जब आपने आउटर कॉर्नर पे कुछ भी डार्क प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है, वो आप छोटे साइज के ब्रशेस लेते हैं हमेशा, जो थोड़ा डेंस हो और छोटा हो साइज में, हमेशा उसके साथ आप प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। आपने प्रोडक्ट को अप्लाई उससे करके बाद में आपने ब्लेंड या स्प्रेड आउट हमेशा फ्लफी ब्रश के साथ करना है, जो ये वाले ब्रशेस थे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये ब्रश, ये एंगल्ड ब्रश है। एंगल्ड आई शेडो ब्रश जो है ना, थोड़ा हार्ड भी होता है और एंगल्ड भी होता है। इसका क्या फायदा है कि आप इसको अंडर द आई भी यूज कर सकते हैं, लोअर लैश लाइन पे, ठीक है, आपने प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपने उसको प्रिसाइज जगह पे ही रखना है, बहुत फैला नहीं देना, तो आपने आप इस तरह के ब्रश से इजीली अंडर आई जो है सारे प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने अंडर आई की ब्लेंडिंग करनी है ना, तो उसके लिए इस तरह के दो ब्रशेस बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रश भी आपका ब्लेंडिंग के लिए भी यूज होता है, और मतलब ये वाला भी आई ब्लेंडर ही है, ये इसको वैसे पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंसिल ब्रश होता है ना, इसको आप बड़े आराम से अंडर द आई, जहां आपने थोड़ा प्रोडक्ट डार्क जो है वो उस एरिया में रखना है, आप एंगल से अप्लाई कर लें, उसके बाद आप इसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं, या ये थोड़ा सा और फ्लफी ब्रश है, इसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आप लिड पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आउटर कॉर्नर पे आपने डार्क शेडो, ज्यादा डार्क जब बिल्कुल ब्लैक डालना है ना, वहां पे आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल कॉर्नर में इस ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप ब्लेंड जो हमेशा फ्लफी ब्रश से करेंगे, या आपके दोनों अंडर आईज पे भी यूज हो सकते हैं ब्रशेज। फिर आ जाते हैं हम इस तरह के एंगल ब्रश पे। ये एंगल ब्रश जो है ना, मुझे बहुत पसंद है नोज़ की कंटूरिंग के लिए। इस तरह का साइज और इस तरह का जो शेप है ना, ये नोज़ की कंटूरिंग बहुत अच्छी करता है ये वाला। आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको अंदाज़ा होगा। ये इतने अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस हैं सारे, कि बहुत इनको देख के ना मेरा दिल खुश हुआ है। अच्छा जी, ये वाला जो ब्रश है ना, ये वैसे लिप ब्रश है, ठीक है। आप इससे कोई छोटा भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं लिप के लिए, इससे छोटा वैसे इस सेट में तो नहीं है, लेकिन लिप्स के लिए ऑफकोर्स आप हमेशा थोड़ा फ्लैट और हार्ड ब्रश ही यूज़ करते हैं, जिससे आपकी लिपस्टिक जो है वो अच्छी सी शेप में भी लिप्स को आप दे सकें, और दूसरा वो लिप्स तक ही रहे। ज़्यादा चौड़ा ब्रश होगा तो वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये हार्ड है ब्रश, और बहुत अच्छी इससे लिपस्टिक अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, अनदर हमारे पास एक और ये वाला फ्लैट ब्रश आ गया। इस तरह का ब्रश मैं कहाँ यूज़ करती हूँ, जहाँ जब आपने आई अपनी आईज की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप उसके आई की बेस बना रहे हैं, कंसीलर लगा रहे हैं, वहाँ पर मैं इसको आईब्रो के नीचे डिफाइन करने के लिए इस ब्रश को यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज डिफाइन हो जाती हैं कंसीलर से, या आई बेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप ऐसा ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ब्रश का नेम फ्लैट डिफाइनर ब्रश है, तो बहुत अच्छा इससे रहता है। बाकी हमारे पास ये अनदर एक आ गया जी, शेडर ब्रश है जो एंगल्ड है। ये आप छोटे एरियाज में जहाँ कहीं आपको लगे कि आपने यूज़ करना है अपनी आईज पे भी एंगल्ड उसमें शेप में आपने शेडो को प्लेस करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ब्रश आईब्रोज के लिए बहुत अच्छा है। आईब्रोज के लिए दो तरह के ये एंगल ब्रशेज हैं, ठीक है। आप इसको चाहें तो आईलाइनर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने थिक नहीं है, पतले ही हैं, ठीक है, ये दोनों ही।
ब्रशेस। ये वाला एंगल जो है विथ स्पूली है, तो ये आप अलहदा से आप रख सकते हैं अपनी आईब्रोज के लिए कि आप इसी से आईब्रो पे पोमेट जो लगानी है आपने, जो भी जेल लगाना है आईब्रो का वो आप यूज़ करें, इवन पाउडर्स लगाने हैं तब भी आप ये यूज़ करें और आप स्पूली के साथ उसको ब्रश आउट कर सकते हैं। और आप ये वाला ब्रश जो है जिन लोगों को पसंद है आई लाइनर जो है जेल आई लाइनर एंगल ब्रश से लगाने के लिए, वो इससे अपना आई लाइनर भी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे आई लाइनर का जो स्लिम लाइन जो पतला ब्रश है वो ये वाला है इनका। ठीक है, इसके ऊपर लेड सेपरेट है, इसको आप साथ ही रखें तो बहुत अच्छा है। एंगल ब्रश है उसके साथ बड़ा अच्छा अप्लाई हो जाता है, बड़ा स्टर्डी और फर्म है, थिन भी है, तो थिन आईलाइनर के लिए आपका ये बहुत बेहतरीन रहता है। आप इसके साथ ज़ाहिर है अपना जेल आईलाइनर जो है वो इससे यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा जी हमारा हाईलाइटर का ब्रश, जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का हाईलाइटर। आप ये छोटा सा स्मॉल ब्रश है, फैन ब्रश इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है आपके हाईलाइटर के लिए, जो आपने चीक्स पे लगाना है, हल्का सा नोज़ की टिप पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड्स बो पे और चिन पे, फोरहेड पे थोड़ा सा, जहाँ जहाँ आपने हाईलाइटर अप्लाई करना है इस ब्रश से बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। मेरी तरफ से ये ब्रशेज बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड हैं, क्योंकि एक तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेकेंडली इनमें आपके प्रोफेशनल यूज़ के लिए एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपको कुछ और इसके अलावा ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बहुत इनका ये कि इनको क्लीन करने में बहुत केयर करें, क्योंकि इतनी इनकी क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, अच्छे से ब्रश क्लीनर के साथ यूज़ करें, या ब्रश के क्लीनर्स मिलते हैं आपको ब्यूटी फैक्ट्री, ब्यूटी ग्लेस, किसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे आजकल जो है आपके ब्रश क्लीनर्स भी मिल जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो सिंपल जॉनसन्स का जो बेबी शैम्पू है आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं ब्रशेस को। लेकिन क्लीन करते हुए बस ये ध्यान रखें कि आपने उनको यहाँ तक कभी भी पानी में डिप नहीं करना, ऑलवेज आप ये पार्ट यूज़ कर रहे हैं ना तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट आपका पानी में जाना चाहिए, बहुत हार्डली नहीं कभी भी आपने रब करना ब्रशेस को, क्योंकि इनके अंदर ब्रिसल्स पे जो ग्लू लगी होती है ना, जिससे ये अंदर फिक्स हुए होते हैं, वो ग्लू ब्रेक डाउन हो जाती है। कभी बहुत हॉट पानी ना यूज़ करें ब्रशेस पे, क्योंकि वो आपके ब्रशेस को डैमेज करता है। तो मेरे पास इस तरह के जो ब्रशेस यहाँ के कुछ ब्रांड्स के भी हैं, आप यकीन करें वो बहुत सालों तक रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते अगर आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत लॉन्ग वे रहते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो अच्छे रहते हैं ब्रशेस। तो आप लोग ज़रूर ये वाले ब्रशेस बाय करें, ट्राई करें, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड हैं ये, बहुत प्राइस भी इनकी अच्छी है, अफोर्डेबल, तो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इनको। आई होप आपको अच्छी लगी आप आज की वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।